साले मेरे के तरीके से वो थाना के सामने घूम रहे। ए बोलिए सर, तुम लोग कौन हो? ये चौकीदार है। सुनो, तुमने मेरी मौज गायब क्यों किया है? ले क्या? और सुनो, अबे थाना उठा के ला। तुझे पता है मैं कितना कड़क सुपारी हूँ? सर है कुछ तुम्हारे कर्मचारी ये बैठे। सुनो, धाई के कुंदवा हुमक दे बना तो गंडिया चढ़ से फट जाए ससुरा, समझ लेना। ये जिला बिजनौर है और हमारे सामने बहुत अच्छे से रहना, नहीं तो है ही के बाद है कि जमीनी पर रगड़बा ना तो भूसिया छूट जाए, समझ लेना। हम खां साहब आदमी हैं, हम मार बहुत मारते हैं ये वाला मार। हाँ सुनो, हम जरा बैठ रहे हैं, अगर डिप्टी साहब या यहाँ आ जाए या मथुरा से, तुरंत मेरे पास आके वो खबर करो। हाँ, और आवाज मुझसे बोला करो पीछे से, ऐसी आवाज मत निकालना। तुम लोग क्या समझते अपने आप? हम ऐसे केस में तुम तीनों को डालूंगा ना, 2 महीने अंदर रहोगे, निकलोगे पीले पीले हो जाओगे। एक तो तुम तीनों को कुछ पता है, तेरी बीबी ने, इनकी बीबी, तेरी अम्मा ने तेरे सर पे चटनी पीसा, तुझे कुछ पता नहीं चला है? मुंह बाके बैठे रहते हो, तुम्हारा सब क्या मैं, तू क्यों मुंह फैला रहा दे? अबे उठा, ये राइफल है समझे, इसमें 2 गोली डाला था परसों, गल के नीचे बह गई। हम जरा बैठ रहे हैं, रजिस्टर देख रहे हैं, कोई थाने में आए तुरंत मेरे पास आके खबर करो। और सुनो, तुम्हें पता है हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं, हैं? जरा आज शाम को मेरे क्वार्टर में आ जाना। देखो अबे ये सामने डिस्को कौन चला रहा है, हैं? अरे डिस्को लाइट कौन चलाया? अरे ललाऊ लाइट सामने की लाइट जला दो, ठीक है? ये तो मेरी मोच है, ये कहाँ गिर गई थी? अरे आवाज से क्यों नहीं बोला दे? हैं? मेहरों के जैसे हो। हाँ, सामने वाली लाइट जला दो, डिस्को बंद कर दो, और नहीं तो सुबह से ही तुम्हारा प्रचार हो जाएगा, समझ लेना। हमारा चैनल साथ में चालू है, लाइव भी चालू है, यह मत देखना हम यहाँ ऐसे बैठे हैं। हाँ ठीक है, सुनो हमें जरा कुछ खबर पढ़ना। देखो, कल बाबागंज बाजार में एक मुर्दा ने एक मूर्ति का नाक काट लिया। अबे ये कोई खबर है? जलालाबाद कब्रिस्तान से 2 मुर्दा निकले और 40 क्विंटल लकड़ी लेकर के बाजार में फरार हो गए हैं। आज पूरे थाना स्टाफ के पुलिस वाले निकले हैं, उन दोनों मुर्दों को ढूंढ रहे हैं। रामनाथ, बाप रे बाप, गुलाम हैदर। अबे ये कोई खबर है? गुलाम हैदर खान, आज सुबह मेरठ सब्जी मंडी में टमाटर दगने की वजह से 22 लोगों की मृत्यु हो गई। ओहो, 50 लोग गंभीर। गुलाम हैदर खां, 6 लोगों की आंख बाहर हो गई। अरे गुलाम हैदर खां, तू बोल रहा है? कौन है ये?
मैं डिप्टी साहब हूँ। गुलाब हैदर खान इधर आओ। सलाम। आप डिप्टी साहब तो इतनी आवाज में क्यों बोल रहे हो भाई? आप क्या पढ़ रहे थे पेपर में? अरे पेपर में पढ़ रहा हूँ, पेपर वाले जानते हो, न्यूज वाले, आधा सच आधा झूठ, इसी में अपना टाइम जो है काट रहे थे। पता नहीं क्या क्या छाप देते हैं। देखिए गुलाम हैदर खान, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। इंग्लैंड से चलकर यंग साहब आए हैं और आज वो अपने थाने में ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। आ गए, एयरपोर्ट पे हैं, मैं उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जो बदतमीजी मेरे साथ करते हो, यंग साहब के सामने बिल्कुल सावधान। तुम फिक्र मत करो, अगर आपके जैसे नहीं होंगे तो मैं बदतमीजी नहीं करूँगा, और अगर आपके जैसे होंगे तो मैं। गुलाम हैदर खान, होश कर लो, थाने की देखभाल करना, मैं डिप्टी यंग साहब को लेकर आ रहा हूँ। सुनो, अपने इस आदमी को संभालना। ये मथुरा सिंह इधर आओ। आप जाइए एयरपोर्ट, मैं बैठा हूँ, और थाने का देखभाल बहुत कायदे से करना। देख भी कर रहा हूँ, भाल भी कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा यंग साहब से नहीं बोलना। अकबोल काशिम, ये थाना बिजनौर है, ये बिजनौर है। ओ माय गॉड, कितना गंदा। बड़ी वाली नहर में आग लगने की वजह से 20,000 मछलियों को जुकाम हो गया है। देखते अकबोल काशिम, आज सुबह बहरे चांद, ये कौन बोलती है? करवाया जा रहा है। आज सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन मछलियों को जुखाम हो गया है उनको रजई और गद्दा बांट दिया जाए। जो मछलियां जुखाम से बची हो, भाग भाग कर पेड़ों पे चढ़। ये कौन है? अरे यही तो है यंग साहब। यंग देखते अबुल काशिम, ये कौन है? सुनी फिरी, क्या नाम है? ये क्या करती है? सुनी फिरी फिरी खड़ा। तुम हमारे सामने आएंगे? तुम अपना परिचय हमको बताएगी? तुम अपना परिचय हमको बताएगी? ये बोल रहे तुम्हारा नाम हम जानना मांगती है। हमारा नाम गुलाम। तुम किस कास्ट की है? कब से तू नौकरी करती है? इनका सब काम कर ही जानता। तुम अच्छी तरह जानती है? जानती है। अबे हम औरत काशिम, क्या बोलती है? अरे इनका इंग्लैंड का भाषा ही है। अबे भाषा हो या भाषी हो या डिप्टी साहब इनको समझाओ, नहीं यक्के कुंदा मारा भगम नहीं अच्छा। डिप्टी काशिम, हमारा मूड बहुत खराब। क्या बोलती है? तारीफ कर रहे हैं। हम बोलती है नहीं समझती है। नौकरी करी थे तो निहारू हो जाए। हम तुम्हारी बात नहीं समझती है। तुम क्या बोलती है? ये मेरा है क्या? ये क्या बोलती है? आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। हमारी तारीफ करती है, बोलती है। तो हम तुम्हारा नाम जानना मांगती है। हम औरत है क्या? ये क्या बोलती है? अरे बोलती बोलती लुच्ची कथी कही की। ये क्या बोलती है? ये क्या करती है? झुकती है बोल काशी, क्या करती है? क्या तुम पूरे थाने को सस्पेंड करवाओगे? अबे हम औरत। अरे उनकी बोली यही इंग्लैंड की। हमें तो बोलती है, कह दो बोलता है बोले। देखिए हम, आप कहते बोलता है, आप कहते वो लोग की इंग्लैंड की बोली ऐसी ही है। मैं इंग्लैंड की बोली है उसको वही रख देना चाहिए, ये इंडिया है। देखिए थोड़ी कुछ दिनों में इनको। यस सर। लुच्ची है? लुच्ची है नहीं सर, हमारी बात नहीं समझती है। अरे तेरी बहनी ना। गुलाम हैदर, गुलाम हैदर, अब्बे का माता।
क्या तुम भी पागल हो गए हो? देखिए गोस्काशन, यो माय गॉड, ये पुलिस पागल, पुलिस पागल, ये क्या करती है? हम पागल हैं। अरे नीचे देखो, हम गुलाम हैदर खान। गुलाम हैदरी? फिर यार अपनी बहनी बात आ रही है यार। क्या बोलती है? ये गुलाम हैदरी है, गुलाम हैदरी है। अरे यार क्या समझाने, अपने मार दे मैं पैसे। देखिए देखिए गुलाम हैदर खान, कुछ दिनों में इनकी बोली सही हो जाएगी। पहले आप अपनी वर्दी संभालिए। वर्दी वर्दी बड़े अधिकारी के सामने ऐसे देवदेव बोल काशिम क्या बोलती है? आपकी तारीफ करें कि जिस वक्त हम सुल्ताना को पकड़ेंगे तो पूरी वर्दी नहीं पा जाएंगे। हम जानती है, हम जानती है, अच्छी तरह जानती है। तुम्हारी इंडिया की पुलिस सुल्तानी को अरेस्ट कर नहीं कर पाती है। तुम्हारी इंडिया की सरकार हमारी इंग्लैंड से के सरकार से हमको मांगती है। ओ डिप्टी अगर काशिम, ये हमारी बात गुलाम हैदरी नहीं समझती है। मेरा नहीं है, सब लोग सस्पेंड हो जाओगे। तुम पागल हो गए हो क्या? तो कहा था हमको नहीं जानती है। मैं क्या बोलती हूँ? इंग्लैंड का भाषा सुनो, इनसे बता दो। तुम अपने आप को क्या बोलती हो? नीक समझाए दो ना, तो आदमी भर्राई पर है तो इनका बच्चा भी आई पी। अगर आपकी बात वो समझ गए। तुम अपने आप को क्या समझती हो? देखो आप बवाल, हम तो तुमको बिल्कुल बेकार ना समझ समझती है। गोल काशिम, गुलाम हैदरी हमारे मिशन में पास नहीं होगी, इसलिए हम इसकी ड्यूटी दूसरी जगह लगाती है। गुलाम हैदरी हमारी पास आएगी, गुलाम हैदरी हमारी पास आएगी। गुलाम हैदरी, हैदर बोलो यार। ओ माय गॉड हैदर गुलाम हैदर, हैदर गुलाम हैदर, हम जानना चाहती है तुम्हारी जिला बिजनौर थाने में कितनी पुलिस ड्यूटी करती है। तो ये मैं पूछे जाए तो बताएगी तुम अच्छी तरह जानती है। अबुल कासिम गुलाम हैदरी, तुम अच्छी तरह जानती है इस इलाके में सुल्ताना का आतंक कितना बड़ा है। तुम्हारी इंडिया की पुलिस सुल्तानी को अरेस्ट ना कर सकी, हमारी इंग्लैंड की सरकार से हमको मांगती है। हम वादा करती है सुल्तानी को अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करेगी, करेगी। अरे भाषा यही इनका, समझा दे। सुल्ताना का सुल्तानी कहा था, अगर कहूँ सुल्ताना सुन ली तो इनके गाड़ी में लाठी खोल जाओ। शराब इनका जान लीजिए, सुल्ताना बहुत एक बार सुल्तानी हमारे सामने आएगी तो हम दिखाएगी इंग्लैंड की ताकत, हम दिखाएगी उसको, दिखाएगी। यही तो पेंट के चैन नहीं बंद कर पावत। तुम हमारी बात नहीं समझती है गुलाम हैदरी, हम तुम्हारी ड्यूटी दूसरी जगह लगाती है। हमारी क्वार्टर में हमारी मेम साहब रहती है, हमारी मेम साहब के साथ हम बाहर जाती है, मेम साहब अकेली रहती है। एक कुट्टी है, कुट्टी तुम कुट्टी चुदाएगी और हमारी मेम साहब के साथ घर में आएगी। तेरी बहनी माता है अम्मा डारा। क्या हुआ बताओ? अरे कहा दे कुत्ती, अबे यार जवान से कहने में शर्म आ रहा है। अब बताओ हम मर्द हो गए इनके बिहारू साथ दे गाना बना रही है। गाड़ बनाने की बात नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि इनका प्यारा कुत्ता है उसको आप घुमाओगे और इनकी बीबी के साथ आप गार्ड बनकर रहोगे।
ओ समझ गए ही। ये बात नहीं है, गुलाम है जी, तुम हमारी मेम साहब के साथ हमारे गार में रहेगी, जानती है? बहुत बड़ी गार है, बहुत बड़ी गार है, हमारी गार में सिर्फ हमारी हमारी बीगम रहती है। हम देखना मांगती है तुम्हारी थाने जिला बिजनौर के पुलिस अब तक सुल्तानी के हाथों में हथकड़ी पैरों में बैठी क्यों नहीं डाल सकी, क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी पुलिस कमजोर है, कमजोर है। गुलाम हैदर खान, मैंने बटालियन यहाँ तैयार कर दिए हैं। ओह माय गॉड, तो हम तुम्हारी बटालियन की ट्रेनिंग देखना मांगती है, तुम्हारी पुलिस कितनी होशियार और चालाक है। मैं लेडीज और जेंट्स, हमारी शाह सुल्तानी को अरेस्ट करने में हमारे मिशन पर हमारा साथ देना मांगती है। फिकर मत करो, आप बैठिए, मैं सारे पुलिस वालों को यहाँ बुला रहा हूँ। बुलाएगी बुलाएगी, हम ट्रेनिंग की एग्जाम मांगती है। मैंने उनको ऐसी ट्रेनिंग दिया है कि तुम्हारे घुसेंगे। ओके ओके। गुलाम हैदर खान, आप बैठिए, आप जितने पुलिस वालों को आपने ट्रेनिंग दिया उनका उनको तत्काल यहाँ पर हाजिर किया जाए। सुनो डिप्टी साहब, यस सर, तुम इनके भाषा समझो, इनको समझाए दो, नहीं हम खासा के आदमी, हमारा गुस्सा है खराब। देखिए उनका इंग्लैंड का यही भाषा है, क्यों? हाँ हम बता ही दिए थे, हमारा गुस्सा बहुत खराब है। पहले अपने गुस्से को थूक दो और तो मेरे मुंह पे थूकोगे? तब कहाँ थूको, अबे कचड़े पे कूड़ा थूका जाता है। मैं कचड़ा हूँ? ए सिपाहियों, हम अल्ताफ अल्ताफ हम सुरेश सुरेश सीआरपी मुंशी फैलहरा मुंशी फैलहरा होमगार्ड नरेश होमगार्ड नरेश और सिटी फिटिंग फटा। ये सिटी फिटिंग फटा क्या? ये उंगलुस है। उंगलुस? हाँ मुंशी जूनियर। और लेडीज में आ जाइए, काजल कुमारी, करीना कुमारी, मुस्कान मुस्कान, काजल आचल, करीना माधुरी, सभी लोग अपने ड्यूटी पे आ जाइए। छाया कुमारी छाया, ये बात तुम लोग होमगार्ड हो, इधर सेट में लगो। सुनो होमगार्ड हो ना, नाम लिख गया है, खड़े हो जाओ लाइन में, लाइन में खड़े हो जाओ, सबकी ट्रेनिंग बड़े साहब आए हैं वो देखेंगे, ठीक है? इधर लाइन में खड़े हो जाओ भैया, तुम लोग अपना अपना पैर बटोरो, अपना पैर बटोरो, तुमको होमगार्ड ना हो। हाँ क्योंकि लेडीज पुलिस आ रही है यहाँ पे और देखिए ट्रेनिंग। हाँ ने लेडीजों के अंदर अगर तुम छू गए तो जैसे वो बच्चा पैदा करती हैं इसी तरीके से तुम्हारे भी बच्चा पैदा हो जाएगा। लेडीज पुलिस जल्दी से आप लाइन में, जो भी पुलिस वाली आएगी या आएगा सब लोग तुरंत लाइन में आ जाएंगे। जेंट्स पुलिस इधर।